बलौदा जिला सहकारी बैंक में पैसा निकलवाने किसानों के लिए घूस अब पैसा वापस कराने जागरूक किसानों ने दिया ज्ञापन। बलौदा जिला सहकारी बैंक में समर्थन मूल्य में धान बेचने के बाद मेहनत की कमाई का पैसा पाने के लिए किसानों को अपने पैसा निकलवाने के लिए किसानों से अवैध वसूली किया। वहीं जागरूक किसानों ने किसानों से अवैध वसूली मामले पर मोर्चा खोलते हुए अब वसूली लिए गए पैसे को वापस दिलाने के लिए बलौदा जिला सहकारी बैंक में जागरूक किसानों ने ज्ञापन दिया। इनके साथ ही पंतौरा गांव में किसानों ने बलौदा जिला सहकारी बैंक में घुसखोरी किया गया पैसा वापस होने की बात को लेकर गांव में मुनादी कराया। बलौदा जिला सहकारी बैंक में एक दिन में 60 लाख से भी ज्यादा भुगतान होता है, लेकिन जिन किसानों के द्वारा अधिक रकम की मांग की जाती है उन किसानों से मोटी रकम घूस के तौर पर वसूल आ जाता है। न जाने बलौदा की सहकारी बैंक में कितने ऐसे किसान हैं जिनके साथ इस तरह से छलावा हुआ है। उनके साथ पैसा निकलवाने की एवज में घूस लिए गए होंगे, अब किसानों के द्वारा अवैध रूप से लिए गए पैसे को वापस मांग रहे हैं। महेश विषय को जिला लेकर सामने आया हूँ सर, कि बैंक में घूस लिया जा रहा था और इसका गलती बैंक के शाखा प्रबंधक ने मान भी ली। शाखा प्रबंधक ने गलती मानने के साथ बैंक के कर्मचारियों को भी बोल दिया गया था, नोटिस जारी कर दिया गया था बकायदा कि यहाँ घूस नहीं चलेगा और किसानों के साथ व्यवहारपूर्ण बात किया जाएगा कल सर। और इसके बाद भी हम संतुष्ट नहीं थे सर, क्योंकि किसानों से घूस लिया गया था, उनका पैसा उनको वापस होना चाहिए, हमारा यही इरादा था। और आज बैंक के शाखा प्रबंधक ने ये साइन कर दिया गया है और सील भी लगा दिया गया है बकायदा, और बोला गया कि किसानों का पैसा वापस होगा करके। और ये काम मीडिया वाले भाई के का बहुत बड़ा सहयोग है कि ये छोटे से इतने बड़े काम में अपना बहुत कीमती समय देकर आए हैं और हमारा सहयोग किया, और आज किसानों के प्रति जीत हुई है। जो नारा है जय जवान जय किसान का, ये आज सच हुआ है, क्योंकि किसानों के साथ यहाँ बहुत अत्याचार हो रहा था सर। धन्यवाद।